स्वागत है मित्रों एंड मित्राणियों, क्या है सचिन में लफूसा सचिन है। इतनी धूम मच गई है इंटरनेट पे कि अब सीमा से ज्यादा आंटी की बातें हो रही हैं। तो आओ देखे जरा आंटी के मीम, बहुत फनी है, पहली बता रहा हूँ, लाइक कर दो तो और मजे आएंगे। सचिन क्या है सचिन में लफूसा सचिन है। मेरे को तो लग रहा पीछे वाले जो अंकल है उनका नाम भी सचिन है, वो ऐसे देख रहे हैं। और आंटी की ये खुन्नस है एकदम दिल से निकल रही, क्या है सचिन में है, क्या है सचिन में, मेरे पति में क्या है। वैसे पति ऋतिक रोशन से कम नहीं होना चाहिए आंटी का, जैसी हरकतें। तुम ऐसा बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो। झिंगुर सा लड़कों से प्यार कर रही लड़कियां हैं, हम जैसे हैंडसम लोग बैठे हैं तुम लोग वीडियो तक लाइक नहीं कर रहे। कमेंट में ये मत लिख देना कद्दू लगे हैंडसम तू। अरे भैया वो कितनी बार प्यार करेगी, कितनी बार तलाक देगी, कितनी बार, दो शादी वो वहाँ पे कर चुकी है। बाजू वाली आंटी भी अपने डायलॉग के साथ रेडी है, इसने लप्पू बोला था मैं झप्पू बोल दूंगी, झप्पू सा सचिन है, मेरी भी वीडियो वायरल कर दो। अब ये आ गई सचिन के पास, सचिन इसको देख के कुछ तो पहले से ही झिंगुर सा था लड़का, सचिन इसको देख के पहले से झिंगुर सा था ही। सचिन में आंटी को पूरा जू नजर आता है, झिंगुर है, लप्पू है, कीड़ा मकोड़ा मच्छर ने क्या क्या बोल देती बेचारे को। टायर में से हवा निकल गई, पंचर हो गया उसमें। लॉजिकली देखा जाए तो आंटी बॉडी शेमिंग कर रही दिल खोल के सचिन की, और आजू बाजू में जो अंकल लोग खड़े हैं वो भी कुछ बोल नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं अंकल लोग भी लप्पू से ही हुए ना, जवान बापे है ना, अंकल लोग भी कुछ बोले ना। समझा दे लेकिन इस बार सकीना दीदी, सीमा तू यहाँ इंडिया में क्या कर रही है, अरे झिंगुर कौन है, अरे मेरा पति झिंगुर। यार बेचारा सचिन घर में बैठ के सोच रहा होगा प्यार किया पाप कर लिया, जिंदा ही नहीं छोड़ रहा है लोग झिंगुर झिंगुर कर करके। ये सचिन इसके लिए मैं पाकिस्तान छोड़ के इंडिया आ गई, झिंगुर की नहीं तो दूसरे देश से आ गई। उसका विक कितना गदर में आके दाढ़ी काली निकल रही यहाँ से, कोई दूसरे मोहल्ले में ना आवे, क्या है क्या सचिन है, कोई अपना पाकिस्तान में जाकर नलका उखाड़ के आ गया था, कम से कम इसने नलका तो ना उखाड़ा है इसके बस की। अरे इसमें बाल किसी का उखड़ना है, नलका उखाड़ेगा, बोला यहाँ पे आवे ना, मैं तुझे बता रही हूँ मैं अपने देवर बॉबी देओल से तेरी सेटिंग करवा दूंगा। वो सचिन के लिए भाग के आई है बॉबी देओल से, उसका क्या लेना देना है, मेरी सीमा ऐसे थोड़ी छोड़ देगी। हां सही बात है, है क्या कर रहा है, हाथ निकल यहां से, मैं बॉबी से शादी करूंगी। सीमा नहीं, सीमा नहीं, सीमा नहीं, सीमा नहीं, जीजा जी सीमा गद्दार, पहले गदर बनी थी अब गद्दार बनेगी। प्यार के लिए कुछ रीजन तो भाई, आंटी के सब इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, लप्पू लप्पू क्या बोल दिया, फेमस हो गई वो, पीछे पति खड़ा मुझे लग रहा है उनका, और सचिन भी मोटा होके ऐसे ही लगेगा थोड़ा सा, थोड़े दिन में हो जाएगा, और अब शादी के बाद हो जाते हैं लोग मोटे, मैंने सुना है। नॉर्मल सी बात है, आदमी तो होना चाहिए। आंटी उसके उस पे जेंडर पे मत जाओ, ये गलत बात है आंटी, जेंजी कैंसिल कर देगी तुम्हें पूरी की पूरी। वो कीड़ा सा तो लड़का है झिंगुर सा, माँ तो उसके सूखा, अगर जरा तेज हवा चल गई ना तो पता नहीं कितनी दूर जाके पड़ेगा, उसको ढूंढे से भी नहीं मिलेगा वो, इससे प्यार करके आई है वो, पाकिस्तान में इसको प्यार नहीं मिला जो हमारे यहाँ पे आ गई, दूसरा चार बच्चों को लेके आई है। आंटी अपने पल्लू का पूरा ध्यान रखती है, बीच बीच में दूसरा चार बच्चों को लेके आई है, उनकी लंका लगाने से पहले अपने पल्लू से ही कर लूं मैं थोड़ा। कोई भी है नॉर्मल, 3 साल का बच्चा भी अपने चाचा या ताऊ से भी पापा नहीं कहता। चाचा या ताऊ से पापा कोई क्यों कहेगा, वैसे ताऊ से कह देते हैं बड़े पापा, पर चाचा या ताऊ से पापा क्यों कहेगा कोई, जब तक बच्चों को बोला ना जाए, बच्चों को जो बोला जाता है वही करते हैं। 10-10 साल के बच्चे आके सचिन से पापा पापा कह के लिपट रहे हैं, बिना सिखाई पढ़ाई के बच्चा पापा कह देगा इतना बड़ा, कोई भी नहीं कहेगा हमारा बच्चा, तो मुंह तोड़ देगा दूसरे बंदे का। पर दोस्तों मुझे भी कहीं ना कहीं लगता था कि सीमा का कुछ तो चक्कर है, सीमा खतरनाक आदमी है, ओ सॉरी औरत है। अरे भैया प्यार करने को कुछ होना भी तो चाहिए, लड़के पे पैसा नहीं, सिकल ना, सूरत ना, झिंगुर सा लड़का। ये देखो ये आंटियां हैं, अगर ये अभी लड़की होती आज के जमाने में तो ये होती गोल्ड डिगर, पैसा, कोई भी लड़का आता प्रपोज करने, तेरे पास पैसा ना, तेरे पास सकल ना, प्यार का मैं कद्दू डालू है, कद्दू का खेत खोलू मैं, प्यार का कद्दू खेत में लगते हैं, कहाँ लगते हैं, जहाँ भी लगते हो दोस्तों मुझे कमेंट में बता देना। भाई सारे लोग पहुंच गए आंटी के घर पे, आंटी प्लीज बता दो ना आपने लप्पू क्यों बोला, ये लप्पू का मतलब क्या होता है आंटी, टप्पू तो सुना था हमने जेठालाल का बेटा, ये लप्पू क्या है आंटी। बेटे के उम्र का वो उससे प्यार कर रहा है, के प्यार अपनाने के लिए तैयार हूं, प्यार में आई है सचिन के, सचिन कपड़े धो के सुखा रहा है, सीमा इंस्टाग्राम बना रही है। और ये आंटी बड़ी ऑब्सेस्ड है इन दोनों से कि इनको सब पता है कि कौन कपड़े धो रहा है उनके घर में, कौन नहीं धो रहा। सचिन बाल कंघी कर रहा है सीमा के, वो इंस्टाग्राम बना रही है, इसको प्यार नहीं कहते, इसको कहते हैं मुंह मारना जगह जगह। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे सास अपनी बहू की वो कर रही होगी कि मेरे बेटे से कपड़े धुलवा रही,
मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है सचिन की टीम में है कि सीमा की टीम में है, किस साइड बहन तू? अगर ये पापा है तो हैदर क्या था, जगह जगह मुंह मारती घूम रही है, तेरे 10-10 बॉयफ्रेंड निकल के आ रहे हैं। हैदर बोल रहा होगा कि पाकिस्तान वाले भले मुझे सपोर्ट ना करें, इंडिया में मेरी बहन बैठी है, है बिल्कुल सपोर्ट कर रही है, सचिन को लप्पू बोलती है, मेरे को हैदर बोलती प्यार से। और दोस्तों आपको पता है कि एक लड़की इंडिया से भी भक्के गई है पाकिस्तान या बांग्लादेश कहीं, ये देखो उसके पति का इंटरव्यू। भारत में इस वक्त चर्चा अंजू को लेकर हो रही है कि अंजू पाकिस्तान क्यों गई, किस मकसद से गई। अब हम अंजू के पति शादीशुदा लोग क्यों भग रहे हैं भाई, इधर उधर है, घर में मजा नहीं आ रहा क्या? अरविंद इस वक्त क्या आपकी सीमा से बातचीत हुई है? वो कह रहा सीमा से क्यों बात करूं मैं, है मेरी बीबी तो अंजू थी, मैं सीमा से क्यों बात करूं? भाई क्या लुक दिया था उसने, डैम। और इंटरनेट का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है दोस्तों कि वहां एसडीएम ने अपनी पति को छोड़ा था जॉब लगने के बाद, यहां शिक्षिका ने भी छोड़ दिया है, इन्होंने मजदूरी करके अपनी पत्नी को शिक्षिका बनाया और शिक्षिका बनने के सिंदूर बहुत लंबा है, ये मेरे ख्याल से यूपी बिहार साइड लगाते इतना लंबा सिंदूर है ना दोस्तों, अगर मैं सच सही बोल रहा हूँ कमेंट में बताओ मुझे। बाद इनकी पत्नी हेडमास्टर के साथ फरार हो गई है ना भैया? यस यही है, रखी थी तो हेडमास्टर मम्मी को आता था लेने, उसके बाद घुमाने ले जाता था, सोता थे मम्मी के। भाई हेडमास्टर बच्चों का तो शर्म कर लेता, बच्चों के सामने तुम घुमाने ले जा रहे हो, है क्या क्या कर रहे हो ये सब? सोता हुआ था तो सोता था तो बच्चों ने पहले क्यों नहीं बताया अपने पापा को? हम जब पापा को इस बात बताए तो मम्मी मारती, बेचारे बच्चे मन के सच्चे थे ना तो उनके पुंदू लाल कर देती थी आंटी मार मार के, गलत बात है यार, ये आंटी तो मतलब बच्चों की भी दुश्मन निकली अपने। चाहते हो बेटा की मम्मी आए? नहीं नहीं चाहते हो, क्यों? मम्मी गंदी है यार, ये बहुत गलत चीज है, मतलब इन सब मतलब एक इंसान ये सब हरकतें करने से पहले सोचता नहीं कि बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बच्चे छोटे छोटे हैं बेचारे, वो पता उनके दिमाग में क्या जा रहा है कि मम्मी गंदी है। मम्मी कितना अच्छा, माँ क्या शब्द होता है, माँ का रिश्ता कितना बढ़िया होता है, माँ वाले रिश्ते के लिए लोग के इमोशंस कितने स्ट्रांग रहते हैं, और सोचो इस बच्चे के दिमाग में माँ की क्या इमेज है कि मम्मी गंदी है। ये अपने पत्नी को पढ़ाने के लिए अपनी बहुत सारी जमीन भी बेची है। हाँ मैंने पढ़ी। अरे बाप रे, जमीन वमीन बेच के पढ़ाया भाई। जमीन बेचने के बाद इनकी पत्नी अभी अपने ही स्कूल के हेडमास्टर के साथ भाग गई। वहाँ वो उस बेचारे का प्लॉट बेच के भाग गई, यहाँ ये इसकी जमीन बिचवा के भाग गई, वहाँ पे वो एसडीएम बन के भाग गई। अगर इनको भागने का इतना ही शौक था तो इन लोगों ने ये मैराथन वगैरह में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? पतियों की क्या गलती है इसमें? बेचारे पति चारों तरफ रो रहे हैं, तुमने अगर ध्यान दिया हो तो। वैसे केस ऐसे भी आते हैं जहाँ पे पति छोड़ देते हैं पत्नियों को, और वो केस भी रहते हैं, पर वो नॉर्मलाइज हो चुके हैं आज की दुनिया में। पर अगर पत्नी छोड़ के भाग रही, वैसे जॉब लगने के बाद छोड़ दिया ना तो सूर्यवंशम की मूवी बन गई, तो इसीलिए ज्यादा हल्ला हो रहा। बच्चों आप लोगों को ऐसे शब्द बताना है जिनमें र आता है, रजत। अरे उससे पूछा क्यों नहीं, ये टीचर लोग ऐसे करते हैं भाई, अगर तुम हाथ उठा तो तुमसे नहीं पूछते कि इसको तो पता है, इसके मजे कैसे लूं, किसी और से पूछूंगा। शशिकांत रात बहुत सुंदर, तौसीफ लाज, तो शीर एकदम बट में बैठा लाज, उसका बेचारे का रा गड़बड़ है पर ठीक है। आज तुम बताओ बेटा रा से एक शब्द बताओ। रमैया वस्ता भैया, राजा, हरिओम, रूपाली, रूपाली, रूपाली बाजू में बैठ कर मुस्कुरा रही होगी, शर्मा रही होगी, अरे यार ऐसी कैसी बातें कर रही हो तुम हरिओम, कैसी बातें। ये कैसी बार भी है ये है, और इसका एक कैन कैसा है, ये कैन कम, ये कोल्ड ड्रिंक का खत्म हुआ कैन ज्यादा लग रहा। कितना प्राउड है वो पीछे खड़ा हुआ, तंबाकू का चलता फिरता है प्रमोशन एड। इनकी जोड़ी देखने के बाद बबीता और अय्यर की जोड़ी अच्छी लगने लगी है। और दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, 1 मिलियन होने वाले हैं जल्दी से, गोल्डन बटन आ जाएगी, तो देरी ना करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय। 1 मिलियन होंगे, बड़े मजे आएंगे।